हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए सेफ एजुकेशन टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्टीन ऑफ अगस्त कंप्लीट करंट अफेयर सो इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो फर्स्ट टाइम प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एंड द न्यू अपडेट्स ऑफ द वीडियो ओके फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम करंट अफेयर थ्रू एम की सीरीज में थर्टींथ ऑफ अगस्त के कम्पलीट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जिसको हमने द हिंदू और जो पी की न्यूज़ है इसमें से एक्यूमलेट करके बनाया गया है इसके अंदर जो भी करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू पैटर्न में रहेंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में हेल्पफुल होंगे तो अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ठीक है वीडियो को तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी आपको नोटिफिकेशन है वो अच्छे तरीके से मिल जाए ठीक है आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली डिफाइंस द स्पूतनिक ठीक है स्पूतनिक वी स्पूतनिक वी किससे रिलेट करता है ऑप्शन है रशिया मैन मिशन टू मून कि रशिया का कोई मैन मिशन है जो मून में भेजा गया है सेकेंड है अफिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट क्या कोई फिफ्थ जनरेशन का फाइव फाइटर जेट है या फिर ऑप्शन सी लैंडर एंड रोवर मिशन टू मार्स या फिर कोई मार्स के लिए लैंडर एंड रोवर मिशन है ऑप्शन फोर कोविड नाइन्टीन वैक्सीन डेवलप बाय रशिया या फिर जो कोविड नाइन्टीन वैक्सीन है वो रशिया के द्वारा डेवलप की गई है सो वीडियो को पॉज करके बताइए चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है यहाँ जो आपका राइट आंसर ये ऑप्शन डी है अभी रिसेंटली जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमिर पुतिन उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने वर्ल्ड की फ़र्स्ट कोविड नाइन्टीन वैक्सीन को डेवलप कर लिया जिसको स्पूतनिक वी नाम दिया गया है और इसका उन्होंने फ़र्स्ट ट्रायल अपनी खुद की डॉटर के ऊपर किया है और इसका एक अच्छा खासा जब उनको टेस्ट उसमें समझ में आया तब उन्होंने इसको ग्लोबल लेवल पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने का फ़ैसला लिया ठीक है तो ये आप याद कर सकते हैं जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है ठीक है स्पूतनिक भी है ये एक पोटेंशियल कोविड नाइन्टीन वैक्सीन है ठीक है जिसको जमालिया इंस्टीट्यूट इन मॉस्को में डेवलप किया गया है इसको यूज़ किया जाएगा टू स्ट्रेन ऑफ एडिनो एडनोवायरस एज इट्स बेस ठीक है एडिनो वायरस के बेस के तौर पे इसको यूज़ किया जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आई होप आपको समझ में आ जाए जाए जाएगा और देखिए वैक्सीन का नाम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिमेंबर रखना है ठीक है डायरेक्टली पूछेगा कि वैक्सीन किस नेम की है तो स्पूतनिक फाइव की और किस कंट्री ने किया है तो रशिया ने किया है ठीक है और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कहाँ से इसको किस इंस्टीट्यूट से किया गया है तो जमालिया इंस्टीट्यूट ऑफ इन मॉस्को वहाँ से किया गया है तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये आपको याद रखना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ऊपर दो क्वेश्चन है आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है रिसेंटली हुआ क्या है कि अभी जो 2011 का केस था जिसमें दो इटली के दो इटली के जो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने हमारे यहाँ के केरला के, के फिशरमैन को गोली मार दी थी जिसका केस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चल रहा था इसलिए हमने इस रिगार्डिंग में क्वेश्चन बनाया है जो फिर आप इसका आंसर दीजिए और फिर मैं और भी इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको जो आपको एक्सप्लेनेशन में समझ में आ जाएगा ठीक है पहली स्टेटमेंट है इट वाज इस्टेब्लिश बाय द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 तो इसको, इसको इस्टैब्लिश किया गया है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 के तहत एंड सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया इज़ अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एंड हैज़ एक्सीडेड टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फाउंडेड कन्वेंशन कि इंडिया एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है इसके अंदर जिसने एक्सीड कर दिया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को एक फाउंडिंग फाउंडिंग कन्वे कन्वेंशन के तौर पर ठीक है तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू एंड आदर वन और टू वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन बी है ओनली बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है क्यों राइट आंसर है क्योंकि जो इसको, इसको इस्टेब्लिश किया गया था आई एम सॉरी इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था ये आपका ये 1899 में कहाँ पे जो आपका पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ सॉरी कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट कंक्लूडेड एट द हेग ठीक है तो हेग के अंदर नाइन में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हेग पीस कॉन्फ्रेंस उसके तहत इसको इस्टैब्लिश किया गया था तो ये सन याद रखना है 1899 ठीक है तब इसको स्टैब्लिश किया गया था किसके तहत जो हेग पीस कॉन्फ्रेंस है इसका जो हेड क्वार्टर है हेड क्वार्टर भी इंपॉर्टेंट इसका क्वार्टर कहाँ पे लोकेट करता है ये हेग नीदरलैंड में लोकेट करता है ठीक है ये आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट केस भी समझ लेते हैं जो इंडिया के और भी जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है इनमें जो बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का जो केस है ये बे ऑफ बंगाल के मेरीटाइम बाउंड्री का है जो सेटल्ड हुआ था इन टू में उस समय का भी एक केस है फिर इटालियन मरीन केस जो हमने अभी अभी डिस्कस किया ना जुलाई ट्वेंटी में तो मतलब जुलाई 2020 में ये जो केस था ये सुप्रीम कोर्ट से अभी क्या हुआ गया है कि वहाँ से कंपनसेशन देने की बात हुई है कि वो क्या कर देंगे अब जो उनके जो ऑफिसर हैं वो वापस अपनी कंट्री में चले गए हैं अब वो उनको यहाँ सजा के लिए इंडिया नहीं भेजा जाएगा और क्या किया जाएगा होगा ये कि वहाँ से जो कंपनसेशन बनेगा वो जो केरला के दो फिशरमैन थे उनकी फैमिली को वो बियर कर दिया जाएगा ठीक है तो ये बात हो गई है तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग इस्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोडीजल तो बायोडीजल के ऊपर दो स्टेटमेंट हैं बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट है बायोडीजल इज अ प्रोड्यूज फ्राम वेजिटेबल्स ऑयल फैट्स और जो आपके ग्रीसेस होते हैं तो बायोडीजल को जो प्रोड्यूस किया जाता है वेजिटेबल ऑयल से ठीक है फैट से और जो आपका ग्रीसेस होता है तो so, क्या इसमें से प्रोड्यूस होता है सेकेंड है इट कैन नाट बी ब्लेंडेड विद द पेट्रोलियम डीजल तो इसको ब्लेंडेड नहीं कर सकते हैं पेट्रोलियम डीजल के साथ तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन और टू सो वीडियो को पॉज करिए आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर ये आपको ऑप्शन ए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्यों क्योंकि इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है ये बायोडीजल इज प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स फैट्स एंड ग्रीसेस इन्हीं के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है जहां से इसका डेराइवेशन दे, होता है ठीक है बट इसको ये जो कैन नॉट है ये यहाँ पर गलत है इट कैन इट कैन बी ब्लेंडेड विद द पेट्रोलियम डीजल इसको पेट्रोलियम डीजल के साथ ब्लेंडेड किया जा सकता है इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग भी इसके बारे में समझ लीजिए जो बायो डीजल होता है ये नॉन टॉक्सिक और जो बायोडिग्रेडेबल होता है एंड इज प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग एल्कोहल विद वेजिटेबल ऑयल एनिमल फैट और रिसाइकल कुकिंग ग्रीसेस ठीक है तो इन सभी चीज़ों से इसको प्रोड्यूस किया जाता है साथ ही साथ जो बायो डीजल है इसको ग्रीन डीजल के नाम से भी जाना जाता है और ये जो लिक्विड फ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज के जैसे आप बोल सकते हैं कुछ न्यू एंड यूज वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट्स साथ साथ जो क्लीनर बर्निंग रिप्लेसमेंट फॉर पेट्रोलियम बेस्ड डीजल फ्यूल होता है इनके साथ इसको यूज़ किया जाता है ठीक है तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी और लास्ट वही है कि इट कैन बी ब्लेंडेड विद द पेट्रोलियम डीजल इसलिए ये राइट right स्टेटमेंट हो जाती है और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है रॉन्ग है ठीक है तो ये आपको समझना है और अच्छे तरीके से याद रखना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज असम अकॉर्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि असम अकॉर्ड के ऊपर दो स्टेटमेंट दी हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट है इट इस मेमोरेंडम ऑफ मेमोरेंडम सेटलमेंट साइन बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द लीडर्स ऑफ द असम मूवमेंट ठीक है तो क्या जो असम अकॉर्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो लीडर थे असम मूवमेंट में उनके भी साइन किया गया है सेकेंड है इट मैंडेट्स फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट कल्चर सोशल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ द असम असमीज पीपल तो इसका जो मैंडेट है ये कॉन्स्टिट्यूशन लजिस्लेटिव और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ प्रोवाइड कराना है ताकि जो कल्चर है सोशल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है असम awesome पीपल की उसको प्रोटेक्ट किया जा सके तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू एंड आइर वन नॉट टू सो वीडियो को पॉज करिए आंसर दीजिए चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन है मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट है इसको इंडियन गवर्नमेंट और जो असामीज जो मूवमेंट किए थे लीडर्स के द्वारा उनके बीच साइन किया गया और इसका जो मैंडेट दिया गया ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो प्रोटेक्शन देना है प्रोटेक्ट करना इनके कल्चर सोशल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को असमीस पीपल की उनके सेफ के लिए इसको बनाया गया है तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या जाती है करेक्ट हो जाती है बिल्कुल याद रखना है अब इसके बाद थोड़ी सी और चीज़ समझ लीजिए जो मोमरेंडम सेटलमेंट किया गया था इसको किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो लीडर थे असम मूवमेंट के ठीक है कहाँ पे न्यू दिल्ली में फ़िफ्टीन अगस्त 1985 एटी फाइव को इसको किया गया था साथ ही साथ जो छः ईयर का एजिटेशन हुआ था उसकी डिमांड ये थी कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इनलीगल इमिग्रेंट्स जो भी इन लीगल इमीग्रेंट्स थे ठीक है मतलब आप्रवासी जो थे वॉज लॉन्च बाय द ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ठीक है उन्होंने लॉन्च किया था किसको असम ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एक यूनियन को 1979 में और जिसको कंक्लूड किया गया था विद द साइनिंग ऑफ असम अकॉर्ड ठीक है तो असम अकॉर्ड किसके भी साइन किया गया था तो जो भी मतलब वहाँ के जो लीडर्स थे जो इन लीगल इमीग्रेंट्स थे ठीक है उनके द्वारा ए ए एस यू नाम का एक संगठन बनाया गया था और फिर बाद में जब इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन कर लिया गया इसने ठीक है तो इसको असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है तो ये कंप्लीट न्यूज़ थी इसके बारे में ठीक है तो आई होप आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कृषि मेघ कृषि मेघ देखिए ये स्पेसिफ़िक टर्म होती हैं तो जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम होते हैं ना इस तरीके के एग्ज़ाम में इस तरीके के जो फैमिलियर वर्ड्स होते हैं ठीक है थीके? इनको डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो कृषि में एक और जो अदर इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं किससे रिलेट करते हैं ठीक है थीके? क्योंकि ये बिल्कुल फैक्चुअल आंसर होते हैं इनके बारे में आपको अगर पता है तो सही है अदरवाइज ये डायरेक्टली इनकरेक्ट हो सकते हैं ठीक है थीके? तो समझ लेते हैं जो ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रो वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो क्या जो कृषि में है ये माइक्रो वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लोकेट करता है सेकेंड है डेटा सेंटर फॉर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च तो क्या डेटा सेंटर के लिए आई से रिलेट रे, करता है थर्ड है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट डेटा एग्रीगेटर एट नेशनल लेवल क्या थर्ड ये जो थर्ड दिया गया कि सॉइल मॉइस्चर जो कंटेंट डेटा है एग्रीगेटर एट नेशनल लेवल क्या इससे रिलेट करता है एंड डी है फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम पोर्टल बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की जो फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम है प्रोग्राम पोर्टल है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर के द्वारा चलाया गया है क्या कृषि मेघ इससे रिलेट करता है सो so, वीडियो को पॉज करिए बताइए फिर डिस्कस करते हैं चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है डेटा सेंटर के लिए डेटा सेंटर के लिए कृषि में को बनाया गया है जिसको आई मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा हेड किया जाएगा तो ये कृषि मेक के बारे में इंफॉर्मेशन थी ठीक है तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चर रिसर्च है इसने डेटा रिकवरी के लिए एक सेंटर बनाया है जिसको कृषि मेघ कहा जाता है साथ ही साथ इसका जो एम है ये प्रोटेक्ट करना है डेटा को गवर्नमेंट का ताकि प्रेमाया रिसर्च जो बॉडी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा और ये सेटअप किया गया है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इन हैदराबाद में ठीक है तो हैदराबाद में हैदराबाद के अंदर जो आपका कृषि मेघ है ये सेंटर को अभी इस्टेब्लिश किया गया है ठीक है किसके द्वारा ने जो नार है जिसको नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहा जाता है ठीक है तो ये आपको याद रखना है अब इसके बारे में एक और जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो ये जो आपका नार में जिसको है जिसको हैदराबाद के अंदर लोकेट किया गया है हैज़ बीन चूजन एज इट लाइज इन अ डिफरेंट सिस्मिक जोन विथ रिगार्ड टू द डेटा सेंटर एट आई और आई इन न्यू डेली ठीक है तो ये डेटा सेंटर के लिए आई और आई आई के साथ मिलकर वर्क करेगा ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टूडेंट एंटरप्रीनियोरशिप प्रोग्राम सो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन तो ये जो इनिशिएटिव है नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन का है सेकेंड है स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विथ अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म देअर इनोवेटिव प्रोटोटाइप इंटू फुली फंक्शनिंग प्रोडक्ट तो जो स्टूडेंट्स है इनको प्रोवाइड किया गया है एक अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी के साथ ताकि जो ट्रांसफॉर्म कर सके इनके इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स इनटू टू किस में फुली फंक्शनिंग प्रोडक्ट्स में तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन नॉट टू वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं चलिए समझ लेते हैं इसके जो राइट right आंसर क्या है इसका राइट right आंसर समझने के पहले पहले आप ये समझ लीजिए कि जो प्रोग्राम है इसको अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा जो नीति आयोग का एक कोलैबोरेटिव पार्ट है इसके द्वारा डेली टेक्नोलॉजी डेली टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया गया है जिसका सेकेंड एडिशन जिसको स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एस ई पी टू पॉइंट ओ कहा जाता है फॉर यंग इनोवेटर्स ऑफ अटल ट्रंकरिंग लैब ठीक है अटल ट्रिंकरिंग लैब के लिए ठीक है तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है जो नीति आयोग का इसने कोलैबोरेटिंग किया किसके साथ डेली टेक्नोलॉजी इन डेली टेक्नोलॉजी के साथ ताकि क्या जा किया जा सके स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को और ज़्यादा इनहेंस किया जा सके अब जो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स ये ये है कि स्टूडेंट जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है टू पॉइंट टो ये अलाउ करेगा स्टूडेंट को ताकि जो इनोवेटर हैं ये वर्क कर सकें क्लोजली विद डेली वॉलेंटियर के साथ और दे विल रिसीव मेंटर सपोर्ट इनको मेंटर सपोर्ट दिया जाएगा प्रोटोटाइपिंग और जो टेस्टिंग सपोर्ट है ये भी की जाएगी एंड यूज़र फीडबैक और लास्ट में उनको यूज़र का फीडबैक भी दिया जाएगा साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा रजिस्ट्रेशन एंड पेटेंटिंग ऑफ आइडियाज इनके आइडियाज़ का काफ़ी ज़्यादा पेटेंटिंग किया जाएगा प्रोसेसिंग और साथ साथ जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट एज वेल एज लॉन्च सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाएगी एस सी पी टू पॉइंट ओ के तहत ठीक है तो ये आपको याद रखना है तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और जो आपका एस सी पी वन पॉइंट ज़ीरो है इसको टू थाउजेंड नाइन्टीन में लाया गया था तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन सी हो गया ठीक है मतलब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर दो स्टेटमेंट है बताना कौन सी करेक्ट है फिर डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्कीम प्रोवाइड कवरेज फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ऑन इंडिविजुअल फार्म बेसिस तो ये स्कीम है ये प्रोवाइड कराएगी आपका पोस्ट हार्वेस्ट कवरेज इंडिविजुअल फार्म बेसिस के सेकेंड है फार्मर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी प्रीमियम अंडर दिस स्कीम की फार्मर्स को कोई भी प्रीमियम प्रोवाइड नहीं कराना पड़ेगा इस स्कीम के अंदर मतलब कोई भी पैसे बेयर नहीं करना पड़ेगा सेकेंड स्टेटमेंट है सॉरी सॉरी जो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इसमें ऑप्शन है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू एंड आइर वन नॉट टू सो वीडियो को पॉज करके बताइए फिर डिस्कस करते हैं चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ओनली ए ओनली ए राइट है क्यों क्योंकि ये जो स्कीम है ये तो सही है कि इंडिविजुअल बेसिस पे इसको प्रोवाइड कराएगा पोस्ट हार्वेस्ट अब पोस्ट हार्वेस्ट क्यों दिया गया है क्योंकि बिफ़ोर हार्वेस्टिंग ये पता नहीं चलता है कि कितने किसानों को मतलब कितने किसानों की जो खेती है जो कल्टीवेशन उन्होंने किया है वो कितना रुइन हो चुका कितना बर्बाद हो चुका है तो इसके बारे में पता नहीं चलता तो अगर उनको मतलब जरूरी कि उनकी फसल ख़राब हो गई है ड्यू टू तो किसी भी फ्लड के कारण या फिर आंधी तूफान के कारण तो क्या होता है इस इस स्कीम के जरिए उनको वो बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा वो कवरेज प्रोवाइड कराया जाएगा लेकिन जो फार्मर्स हैं ये आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी प्रीमियम अंडर द स्कीम तो ये गलत है क्योंकि इसके अंदर आपको जो खरीफ क्रॉप है ठीक है जब आप खरीफ क्रॉप को लगाते हैं तो इसके अंदर आपको टू परसेंट का प्रीमियम पेड करना पड़ता है ठीक है जब आप रबी क्रॉप लगाते हैं तो वहाँ पर आपको वन पॉइंट फाइव परसेंट का प्रीमियम बेयर करना पड़ता है जो आपका हॉर्टिकल्चर होता है उसके अंदर आपको फ़ाइव परसेंट का प्रीमियम बेयर करना पड़ता है ठीक है तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड है ठीक है इस स्कीम की तो ये आपको पता होना चाहिए इसलिए सेकंड स्टे, स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो भी आपकी अलग अलग क्रॉप्स हैं रबी खरीफ और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं इनके अंदर अलग अलग प्रीमियम पेड करना पड़ता है और ये पोस्ट हारवेस्टिंग लॉसेस के ऊपर भी वर्क करती है ठीक है इसलिए इसका आंसर क्या हो गया ए हो गया साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने आपकी आपको पहले बताया वही सारी चीज़ें इसमें दी हैं तो अगर आपको और भी ज़्यादा बेसिस पे पढ़ना है तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदू सक्सेशन एक्ट अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया है तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है फर्स्ट है इट इज़ एप्लीकेबल टू एनी पर्सन हु इज़ हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख बाय रिलीजन कि ये एप्लीकेबल होगा चाहे वो पर्सन किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे वेदर हिंदू हो बुद्धिस्ट हो जैन हो या फिर सिखी हो सिख हो कोई भी हो सेकेंड है द एक्ट प्रोवाइड फॉर इक्वल राइट्स ऑफ डॉटर टू एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ सन ठीक है ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड कराएगा इक्वल राइट्स किसको डॉटर्स को ले डॉटर्स को जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है मतलब जो माता पिता की जो मतलब पूरी आप बोल सकते हो कि जो पुरखों की जो प्रॉपर्टी होती है ना जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है जैसे तरीके से सन को मिलती है उसी तरीके से डॉटर को भी प्रोवाइड कराई जाएगी तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू एंड आइर वन नॉट टू वीडियो को पॉज करिए एंड फिर आंसर दीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी है ठीक है मतलब ये जो एप्लीकेबल होगा ये बुद्धि जैन सिख हिंदू ठीक है बाय रिलीजन की सभी के ऊपर ये ए, पूरा एप्लीकेबल होगा और सेकंड है जो एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जिस तरीके से सन को प्रोवाइड की जाती थी उसी तरीके से आप डॉटर को भी दी जाएगी तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि किस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है तो जो अमेंडमेंट किया गया है ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था नाइनटीन का ठीक है उसको अमेंडमेंट कर दिया गया है दो के अंदर ठीक है मतलब नाइनटीन फिफ्टी सिक्स का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसको अमेंड करके दो हज़ार बनाया गया था उसी के अंदर इसको अमेंडमेंट करके ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी राइट्स है ये डॉटर्स के लिए भी प्रोवाइड करा दिया गया है तो ये आपको याद रखना है साथ ही साथ जो सेक्शन सिक्स है हिंदू सक्सेशन एक्ट का ये कन्फर्म करेगा जो स्टेटर है किसका कॉपर सेंसर का टू अ डॉटर ठीक है डॉटर के लिए और जो कॉपर सेंस को जो आपका कॉपर सैनर है ये पर्सन है हु हैज अ बर्थ हु हैज अ बर्थ राइट टू पेरेंटल प्रॉपर्टी कॉपर सैनर का मतलब होता है कि वो पर्सन जिसके पास बर्थ राइट right है पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का तो अब ये राइट right किसको दिया गया डॉटर को भी दे दिया गया है तो ये आपको याद रखना है जिसको सेक्शन सिक्स के अंदर हिंदू सेक्शन एक्ट में अमेंड करके डाला गया है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर है बताना कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट है द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है ये बेस्ड है आपका सी पी आई इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर सेकंड है जो आर बी आई गवर्नर है डज नॉट जनरली हैव अ वोट वो जनरली वोट नहीं देते हैं और वोट ओनली इन द इवेंट ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोट इन मोनिट्री पॉलिसी कमेटी की वो जो वोट देते हैं वो मोनिट्री पॉलिसी कमेटी में जब इक्वलिटी हो जाती है तब वो वोट देते हैं ठीक है तो कौन सी इस चीज में करेक्ट है ऑप्शन है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू एन आइए वन नॉट टू वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं चलिए डिस्कस कर लेते हैं कौन सा राइट आंसर है देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर तो स्टेटमेंट आ सकता है कि जिस तरीके से हमारी इकॉनमी इस समय फॉल कर रही है तो जो सी है जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है ठीक है ये मॉन्टी पॉलिसी ऑफ इंडिया फ्रेमवर्क के अंदर ही मॉन्टी पॉलिसी ऑफ फ्रेमवर्क जो है इन इंडिया के अंदर ये किसके ऊपर बेच है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर बेच है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है सेकेंड है जो आर गवर्नर है डज नॉट जनरली हैव अ वोट वो जनरली वोट नहीं देते हैं तो ये गलत स्टेटमेंट है ठीक वो है वो वोट देते हैं मतलब एवरी मेबर हैज़ अ राइट टू वोट ठीक है सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट आपकी पार्सली करेक्ट है और पार्सली इनकरेक्ट है तो ऊपर वाला भाग तो आपका इनकरेक्ट हो गया लेकिन नीचे वाला भाग सही है कि जब इक्वलिटी आ जाती है तो भी वो वोट करते हैं जब इक्वलिटी नहीं भी रहती है तो भी वो वोट करते हैं इसलिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाता है बिल्कुल करेक्ट ठीक है याद रखना है और जो आपका सी है इसका जो टारगेट है ये कितना है ये फोर परसेंट का टारगेट रखा गया है कि जो सी होना चाहिए कितना है ये फोर परसेंट का होना चाहिए ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है और जो आपका मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं तो इसके अंदर आपके छः मेंबर होते हैं छः में से मतलब आप टोटल छः मेंबर होते हैं छः में से ही आपके तीन किसके होते हैं तीन आपके होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और तीन होते हैं आपके आर से ठीक है जिसमें इंक्लूडिंग आपका गवर्नर भी होते हैं जो इस समय हमारे शक्तिकांत दास जी है आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर है बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है फर्स्ट है गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट इज एम्पावर टू प्रोवाइड फॉर ओपनिंग ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक करेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू की गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो प्रोवाइड कराए ओपनिंग हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन को चाहे ऑफ अ पब्लिक करेक्टर के लिए हर क्लास के लिए और हर सेक्शन के लिए हिंदुओं के सेकेंड एवरी रिलीजन डिनोमिनेशन हैज़ द राइट टू ओन एंड एक्वायर मोवल एंड इमूवल प्रॉपर्टी जो मतलब हर हर रीजन के जो धर्म है उसके पास ये राइट है कि वो एक्वायर कर सके मूवेबल और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ठीक है तो कौन सी में करेक्ट है ऑप्शन ओनली है वन ओनली टू बोथ वन एंड टू एंड ए वन नॉट टू वीडियो को पॉज करके डिस्क बताइए फिर डिस्कस करते हैं चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर है आपका ये ऑप्शन सी राइट आंसर है मतलब आपकी जो दोनों स्टेटमेंट दी हैं ये बिल्कुल करेक्ट है कि गवर्नमेंट एम्पावर है कि वो इंस्टीट्यूशन को पब्लिक कैरेक्टर के लिए हर क्लास और हर वर्क के लिए ओपन करे और सेकेंड है जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है इनके पास राइट है कि वो एक्वायर कर सकें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो बहुत स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है ठीक है साथ ही साथ किसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट करेक्ट है तो जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ट्वेंटी है ये प्रोवाइड कराता है कि रिगार्ड टू राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि इट एम्पावर स्टेट टू मेक एनी लॉ चाहे वो रेगुलेट करना हो रिस्ट्रिक्ट करना हो इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल सिस्टम को सेकुलर एक्टिविटी को एसोसिएशन ऑफ विद रिजर्व प्रैक्टिस कोई भी हो चाहे सोशल वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर और उसके रिफॉर्म हो तो यहाँ पे वर्क करता है और सेम आर्टिकल 26 है ये प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी के लिए हेल्थ के लिए एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए और एनी और एनी सेक्शन देयर ऑफ शेल हैव द राइट ठीक है तो उनके पास इस तरीके के राइट होते हैं इस जिसके अकॉर्डिंग वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं तो ये इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना तो so, ये थे आज के टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए ताकि हर किसी को इन वीडियो और इन एमसीक्यूज का अच्छे तरीके से लाभ मिल सके, वो इसका उपयोग कर सके और एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक करके एक अच्छी खासी पोस्ट को एक्वायर कर सके ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे